So, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा रनिंग का टॉपिक होगा, कौन सी कंपनी का प्रोटीन रनिंग के लिए अच्छा होता है, दौड़ के लिए हमारी कौन सी कंपनी का प्रोटीन अच्छा होता है। इंस्टाग्राम पे काफी लोगों का मैसेज है इस बारे में कि भाई बता दो कि कौन सी कंपनी का प्रोटीन अच्छा रहेगा। मान लिए तो काफी लोगों का कंफ्यूजन है क्योंकि नए आते हैं, पता नहीं होता। वैसे हमें एक प्रोटीन तो ले लेना ही चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी का जो वेट होता है उससे 2 गुना ज्यादा हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है एक दिन में। जैसे कि एग्जाम्पल में 50 kg किसी इंसान का वजन है तो उसे 100 ग्राम प्रोटीन एक दिन में बॉडी को चाहिए होगा, इनटेक करना होगा। तो हम खाने से कितना कर सकते हैं, 60 ग्राम, 70 ग्राम, बाकी का 30 ग्राम जब भी कम पड़ जाता है तो वो हमारा ये प्रोटीन पूर्ति करता है। जैसे अगर हम दिन में 2 स्कूप लेंगे तो 8 ग्राम हो जाएगा, अगर 24 ग्राम एक स्कूप में है तो 48 ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रोटीन लेते हैं क्योंकि ये हमारी मसल्स की जो टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं रनिंग के बाद तो उसकी रिकवरी करता है, तो इसलिए हमें प्रोटीन लेना चाहिए। इसकी मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का प्रोटीन अच्छा होता है हमारे लिए। तो चलते हैं, जो नए हैं सब्सक्राइब करना और जो नए हैं वो इंस्टाग्राम पर भी आना मेरे, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को ना ज़्यादा देरी करते हुए। कौन सी कंपनी का प्रोटीन हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो जो मैंने खुद यूज करा, जैसे कि मैं नेशनल की तैयारी करता हूँ या इंटरनेशनल किसी की प्रिपेयरिंग की करता हूँ तो मैं भी प्रोटीन लेता हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंस है प्रोटीन अच्छे हैं जिन कंपनी के, वो है जैसे कि GNC है। GNC काफी अच्छी कंपनी है, जो इंडिया के मोस्ट एथलीट जो है वो GNC का प्रोटीन यूज करते हैं, ज्यादातर GNC के प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि GNC एक ऐसी कंपनी है जो कि ओरिजिनल सामान बनाती है, ठीक है। तो उसकी इसलिए ज्यादा डिमांड है एथलीटों के बीच में। दूसरा जो मैंने यूज करा था 2019 में, जब मैंने नेशनल क्रॉस कंट्री मेडल लगाया, ऑन गोल्ड का प्रोटीन मैंने यूज किया। ऑन गोल्ड प्रोटीन भी काफी अच्छा लगा मुझे, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट लगा, तो वो प्रोटीन भी आप ले सकते हो। और तीसरा जो है आप प्रोटीन ले सकते हो मसल टेक का। मसल टेक के भी काफी अच्छे प्रोटीन है, आपको देखना पड़ेगा 30 ग्राम, 24 ग्राम, 25 ग्राम, कितने ग्राम प्रोटीन है उसमें एक स्कूप में। तो प्रोटीन तो हर कोई अच्छे होते हैं, हेल्थ फार्म का भी काफी अच्छा प्रोटीन है, तो इनमें से जो है प्रोटीन तो सारे अच्छे होते हैं, पर ये जो डिमांडिंग है, डिमांडिंग कंपनियां हैं एकदम ओरिजिनल जिनके प्रोडक्ट होते हैं, जिनकी प्रोटीन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, GNC, ऑन गोल्ड, मसल टेक, जो मैंने 3 अभी तक यूज करे हैं वही मैंने आपको बता दिए हैं। इनके अलावा मैं कोई प्रोटीन ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। और रही बात दुकान की, कौन सी दुकान से लेना चाहिए, तो आप लोगों की मदद के लिए मैं ये काम भी करवा रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी मोस्ट दुकान है इंडिया में जो कि फेक सामान बेचती है, आपको मुंह पे दिखेगा कुछ और, पीठ पीछे होगा कुछ और, क्योंकि वो घर पे प्रोटीन बना देते हैं डायनामोल की गोली मिला के, आटा मिला के उसको प्रोटीन बना के दे देते हैं आप लोगों को, तो काफी नुकसान है। लीवर खराब इसलिए होता है बच्चों का क्योंकि वो बातों में आके नकली प्रोटीन ले लेते हैं। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी दुकान रहेगी अच्छी, कोरियर करवा सकते हो ये सब है तो उसके ऊपर भी बताऊंगा। और आपको मैं प्रोटीन के साथ साथ बता देता हूँ कि ये किस तरीके से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रोटीन हमें लेना चाहिए जैसे कि हमने ट्रेनिंग कर ली है, जैसे कि हमने प्रैक्टिस कर ली है, और करने के बाद हमें 20 मिनट के अंदर प्रोटीन लेना होता है। 20 मिनट के अंदर क्या है, जो हमारी मसल्स होती है ना उनको रिकवरी चाहिए होती है। प्रोटीन का जो टाइम है ना लेने का वो 30 मिनट के अंदर है। अगर आप 30 मिनट के बाद लोगे, आधे घंटे के बाद लोगे, आप 20 मिनट के बाद लोगे तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा, उसका जो है ना के बराबर ही असर होगा। तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो या स्टोरी लगा के बता सकते हो या यहाँ कमेंट छोड़ सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन तक बातें पहुँच नहीं पाती क्या है। और अगली वीडियो में बताऊंगा कि यार आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हो इंजेक्शन वगैरह की, एस्ट्रॉइड वगैरह की, तो ये हमें नहीं करनी चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्यों नहीं लेने चाहिए यार, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकती है इससे। तो मैं तो इन चीज़ों को प्रमोट करूंगा नहीं क्योंकि आपको एक भर्ती क्लियर करनी है और एक भर्ती आपकी नेचुरल डाइट से काफ़ी अच्छी क्लियर हो सकती है। तो अगली वीडियो इसके ऊपर होगी, तो इंतजार रहेगा आपको भी मेरे को भी बनाने का। तो ठीक है।